नमस्कार रंगनाथ, मेरा नाम डॉक्टर कमलेश बिष्ट है। और जैसा कि हम ये ऑनलाइन लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, अभी तक हमने दो लेक्चर सीरीज दे चुके हैं, दो लेक्चर दे चुके हैं। तो आज हम तीसरा लेक्चर इसी क्रम में उसी किताब का आगे को लेते हुए चलते हैं। तो ठीक है, परसों जो पिछली बार जो हमने लेक्चर दिया था उसमें हमने ग्रुप की डेफिनेशन तक हम गए थे, और आपको कहा था कि कहे थे अपने जो भी ग्रुप किताब है आपकी उसमें से आप जो भी एग्जांपल आप ले कोई भी सेट ले लीजिए, उसको कोई भी ऑपरेशन ले लीजिए, उसके रिस्पेक्ट में दिखाइए कि चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करता है या नहीं, कि वो ग्रुप बनाता है या नहीं। तो हमारा जो मेनली जो बेसिक जो हमारा ग्रुप था, हाँ, उसकी डेफिनेशन इंग्लिश में क्या है बता देता हूँ। लिख लीजिए अ नॉन एम्प्टी सेट जी with a binary composition star is called group if it satisfy the following property। वो property क्या क्या थी? पहली थी हमारी closure, दूसरी थी हमारी associative, तीसरी थी हमारी existence of identity, चौथी थी हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, पांचवी थी हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक हो गया। अब क्या होता है, अगर कोई ग्रुप सिर्फ ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करता है, पहली और दूसरी, ना आपकी किताब में भी कैटेगराइज किया हुआ है ऐसे, आप देख लेंगे, तो कोई भी ग्रुप, हाँ, कोई भी सेट जी, ग्रुप नहीं कहूंगा यहाँ पर, ग्रुप तभी बोलूंगा जब वो 1, 2, 3, 4 ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करेगा, तब मैं उस सेट को ग्रुप कहूंगा किसी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में। और अगर कोई सेट सिर्फ पहली और दूसरी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करता है तो हम कहते हैं उसे सेमी ग्रुप। अगर कोई सेट मेरा ये तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, तो मैं उसे क्या कहूंगा, मोनोइड। और अगर मेरी ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करता है तो उसे मैं क्या कहूंगा, ग्रुप। और अगर ये मेरी पांचों, कोई सेट मेरा क्या है, ये पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करता है तो उसे मैं क्या कहूंगा, अबेलियन ग्रुप। ठीक हो गया, इसको आप देख लीजिएगा। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, और अलग अलग तरीके से और क्या क्या तरीके होते हैं सॉल्व करने के, उनको भी यहाँ पर देखते हैं, जिससे आपको जो आपकी किताब में जो कोर्स है वो आपको समझने में आसानी रहेगी। जैसे आपके बुक में एक सेट दिया हुआ है, आपके ग्रुप बुक में जो सेट दिया हुआ है वो है उदाहरण नंबर 2, एग्जाम्पल 2 है, प्रदर्शित कीजिए कि समुच्चय जी दिया हुआ है 1 ओमेगा स्क्वायर, हाँ, गुणन संक्रिया के लिए एक क्रम विनिमय समूह प्रदर्शित करता है, ये हमको शो करना है। और जहां पर दिया हुआ है क्या, यहां पर W क्या है तुम्हारा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये सेटिस्फाइड करता है, इक्वल टू है, ये हमारा यहाँ पर इक्वल टू है। तो हमको, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो इसके लिए हम एक संक्रिया सारणी, इसको हम अभी समझेंगे वो क्या है, संक्रिया सारणी की मदद से भी हम इस तरह के सेट को हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले आपके जो भी एलिमेंट दिए हुए हैं वो एक बार रो में लिख देंगे और एक बार कॉलम में लिख देंगे।
ठीक हो गया। अब हम इनकी प्रोडक्ट करेंगे, जैसे वन की प्रोडक्ट मैंने वन से करी, क्या आएगा वन, वन की ओमेगा से करूंगा क्या आएगा, ओमेगा ही आएगा, क्योंकि वन के साथ हम किसी की भी प्रोडक्ट करते हैं वही एलिमेंट आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमको ऑपरेशन का काम यहाँ पर क्या कर रहा है, मल्टीप्लीकेशन डॉट ना, तो वन की प्रोडक्ट में इससे करूंगा तो क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। उसी तरीके से क्योंकि यहाँ भी शुरू में एलिमेंट ये है वन है, तो इसकी प्रोडक्ट करूंगा यही आएगा, और इसकी प्रोडक्ट करूंगा यह आ जाएगा डब्ल्यू स्क्वायर। अब आता है कि W की जब मैं W से प्रोडक्ट करूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को W स्क्वायर ना, W की प्रोडक्ट जब मैं W स्क्वायर से करूंगा क्या बनेगा W क्यूब, और हम जानते हैं क्या, क्योंकि हमारा W क्या है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो इसका मतलब W क्यूब बराबर मेरा क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, तो मैं इसके इक्वल टू यहाँ पर वन लिख सकता हूँ ना। वैसे ही देखिए ओमेगा स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर मैं W W बोल रहा हूँ, ये ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर की प्रोडक्ट जब मैं ओमेगा से करूंगा क्या आ जाएगा ओमेगा क्यूब, और क्योंकि ओमेगा क्यूब बराबर मेरे पास क्या दिया हुआ है वन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर मैं वन लिख सकता हूँ। वैसे ही ओमेगा स्क्वायर की मल्टीप्लाई में करूंगा ओमेगा स्क्वायर से, क्या आ जाएगा ओमेगा की पावर फोर। अब ओमेगा की पावर फोर को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब, हाँ क्योंकि ओमेगा क्यूब बराबर क्या दिया हुआ है वन, तो और वन की मैं ओमेगा से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिल जाएगा मेरे को ओवरऑल ओमेगा। तो देखा जाए जो भी हमने ये जो सारणी बनाई है, संक्रिया सारणी बनाई है, उसके जो एलिमेंट है, देखिए जो अंदर जो प्रोडक्ट, क्योंकि हमको ऑपरेशन क्या दिया हुआ है प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ है, तो जब हमने ऑपरेशन अप्लाई किया तो इस जो सारणी के अंदर के जो ये है एलिमेंट सारे, वो क्या है वो सब इस सेट जी के अंदर बिलोंग करते हैं ना, तो ये सारे एलिमेंट क्या करते हैं जी के अंदर बिलोंग करते हैं। तो क्या पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो गई, पहली प्रॉपर्टी जो क्या थी क्लोजर प्रॉपर्टी थी वो तो सेटिस्फाइड हो गई, क्योंकि सारे एलिमेंट ऑपरेट करने के बाद इसी सेट के अंदर क्या आ गए, तो हम यह कह सकते हैं कि जी हमारा क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन प्रोडक्ट। दूसरी आता है एसोसिएटिव प्रोडक्ट प्रॉपर्टी, तो कोई भी तीन एलिमेंट आप यहाँ के ले लीजिए, कोई भी तीन एलिमेंट जब आप यहाँ के लेंगे, जैसे मैं मान लीजिए वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ले ले रहा हूँ, तो वन इंटू ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होगा मेरा वन इंटू ओमेगा स्क्वायर। कहने का मतलब यह है, ये है यहाँ पर कि मैं पहले किसी को भी मल्टीप्लाई करूं और फिर उसका तीसरे के साथ ऑर्डर करूं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर को अगर हम इंटरचेंज कर दें बदल दें तो इससे हमारे प्रोडक्ट में जो लास्ट प्रोडक्ट लेगा उससे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ क्या ऐसे हम और एलिमेंटों को भी देख लेंगे प्रोडक्ट करके, क्योंकि है ही तीन एलिमेंट है, तो इसमें यहाँ पर कह सकता हूँ जो मेरा ये सेट है जी वो हाँ एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाइड करता है। तीसरा आता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब यहां पर देखिए, यहां पर एक रो यह है वैसे ही यह है, तो जो ये पहली रो है जो आपका यहां पर यह है, ये रो और ये कॉलम ये सेम है, हाँ तो किस लिए सेम है, क्योंकि जब हमने इसमें जो एलिमेंट था मेनली एलिमेंट था वो था वन, उसके साथ प्रोडक्ट करी इन एलिमेंटों की तो वही एलिमेंट आ जा रहे थे, तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि जो हमारा सेट जी है वो क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट उसमें एग्जिस्ट करता है, और इस सेट के लिए यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेट के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट वन है, जो वन है वो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो इसका मतलब तीसरी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड हो गई, हाँ एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड हो गई। अब हम आते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या वो क्या होती है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स।
फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक हो गया। तो इसमें देखिए यहां पर हमको इस सारणी में देखिए वन कहां कहां पर मिल रहा है। एक वन मेरे को यहां पर मिल रहा है, दूसरा वन मेरे को यहां पर मिल रहा है, और तीसरा वन मेरे को यहां पर मिल रहा है। तो इसका मतलब अब जो ये यहां पर वन मिल रहा है, ये क्या था, ये डब्ल्यू स्क्वायर का डब्ल्यू के साथ प्रोडक्ट करके था, डब्ल्यू का डब्ल्यू स्क्वायर के साथ प्रोडक्ट करके था। इसका मतलब क्या हो गया, डब्ल्यू का इनवर्स डब्ल्यू स्क्वायर हो गया, या इसको हम उल्टा भी कह सकते हैं क्या, कि डब्ल्यू स्क्वायर का इनवर्स डब्ल्यू हो गया। उसी प्रकार जब मैं यहां पर देखिए, यहां पर भी वन मिल रहा है, ये किसका, ये किन दोनों का प्रोडक्ट है, डब्ल्यू का और डब्ल्यू स्क्वायर का, वही बात हो गई, ये डब्ल्यू का इनवर्स डब्ल्यू स्क्वायर है और डब्ल्यू स्क्वायर का इनवर्स डब्ल्यू है, ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स ओमेगा है और ओमेगा का इनवर्स ओमेगा स्क्वायर है। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि जी जो हमारा सेट है उसके सभी एलिमेंटों के लिए मेरे को जी के ही अंदर ऐसे एलिमेंट भी मिल जा रहे हैं जो बाकियों के क्या है, इनवर्स है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, जी कंटेन इनवर्स ऑफ ऑल ऑफ इट्स एलिमेंट्स ना, अपने सभी एलिमेंट्स का इनवर्स क्या जी क्या करता है, कंटेन करता है। तो हम क्या कह देंगे यहां पर, जी मेरा क्या हो गया, यहां पर से क्या कहता हूं, क्या ये चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हुई, तो जी मेरा क्या हो गया, ग्रुप हो गया। ठीक हो गया। अब आता है पांचवी प्रॉपर्टी, वो क्या थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप यहां पर ऐसे देख लीजिए, कोई भी रो पकड़ लीजिए, जैसे ये आपने सेकेंड रो पकड़ ली, सेकेंड कॉलम पकड़ लिया और उसी के रिगार्डिंग सेकेंड रो पकड़ ली। ये देखो जो क्या है कि एलिमेंट कैसे आ रहे हैं, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वन आ रहे हैं, वैसे ही क्या आ रहे हैं, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वन आ रहे हैं। वैसे आप तीसरी रो देख लीजिए, तीसरा कॉलम देख लीजिए, या फिर तीसरी रो देख लीजिए, इसके अंदर के एलिमेंट क्या आ रहे हैं, ओमेगा स्क्वायर वन ओमेगा, हाँ या ऐसे क्या आ रहे हैं, ओमेगा स्क्वायर वन ओमेगा। इसका मतलब ये क्या हो रहा है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड कर रहा है। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, ए कोई भी दो एलिमेंट ले लो, ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, मतलब ना इनके ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो ये एक एग्जांपल था, इसको आप देख लीजिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में। जो आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो आपका एग्जाम्पल नंबर 3 है। वो क्या है, प्रदर्शित कीजिए, प्रूव करिए कि समुच्चय जी, यहां पर आपको क्या दिया हुआ है, 1 - 1 i - i, ये आपका सेट है जहां एक गिवन कंडीशन दिया हुआ है, जहां i इक्वल टू क्या है, √-1। हाँ, ये तो हमको क्या प्रदर्शित करना है, गुणन संक्रिया के लिए क्रम विनिमेय समूह है ये सेट मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में अविलियन ग्रुप बना रहा है, ये हमको शो करना है। तो हम वैसे ही जो हमने अभी पहले संक्रिया सारणी बनाई थी पहले वाले क्वेश्चन के लिए, इसके लिए भी बना के देखते हैं। क्या कहा था, सबसे पहले जो भी एलिमेंट है उनको रो और कॉलम वाइज उतार लीजिए, 1 - 1 i और -i, वैसे ही 1 - 1 i - i, अब प्रोडक्ट करके देख लीजिए, 1 के साथ 1, यहाँ तो यही आएगा क्योंकि यहाँ पर क्योंकि ऑपरेशन किया हुआ प्रोडक्ट, और कहते हैं 1 प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में अधिकतर, अभी जो भी आप ग्रुप पढ़ेंगे अधिकतर देखेंगे
जब भी आप ऑपरेशन प्रोडक्ट दिया हुआ है तो वहां पर प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट अधिकतर वन ही मिलता है ना। कुछ कंडीशन में अगर कहते हो ऑपरेशन में कुछ अलग टाइप का चेंज कर दिया जाए तो उससे वन के बदले कुछ और हो सकता है, कहीं वैसा होता नहीं है, लेकिन और वैसे ही प्लस के रिस्पेक्ट में जो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो हमेशा जीरो ही होता है। तो ये हो गया, यहां पर वैसे ही आएगा, ठीक हो गया। यहां पर देखिए जैसे आई बराबर तुमको माइनस वन दिया हुआ है तो आई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, माइनस वन। आई इक्वल टू क्या है, अंडर रूट माइनस वन, तो आई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वन। आई क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों ओर अगर आई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ आई क्यूब हो जाएगा तो यहाँ क्या मिल जाएगा, माइनस आई। और वैसे ही आई की पावर फोर, आई की पावर फोर बराबर क्या हो जाएगा, वन करके देखना, ठीक हो गया। अभी हम यहाँ पर मल्टीप्लाई और की कर लेते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आई, सॉरी पहले यानी जो है यहाँ पर आ जाएगा वन, यहाँ पर आ जाएगा माइनस आई और यहाँ पर आ जाएगा आई। उसी प्रकार इसमें आ जाएगा माइनस का आई और यहाँ पर आई इंटू आई स्क्वायर क्या होता है, माइनस वन। आई इंटू माइनस आई, आई इंटू माइनस आई क्या हो जाएगा, माइनस का आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर बराबर क्या है, माइनस का वन, तो क्या हो जाएगा, वन। वैसे ही माइनस आई, यहाँ पर आई आ जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये वन हो जाएगा। और वैसे ही माइनस का, और यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का आई स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, किसके बराबर होता है, माइनस वन के बराबर। तो कहने का मतलब ये है जो आप ये सारे जो एलिमेंट आ रहे हैं इस ग्रुप के अंदर, जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं वो सब इसके अंदर है, जी के अंदर है। तो पहला मेरा क्या हो जाएगा, ग्रुप मेरा क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करता है। दूसरा आप एसोसिएटिव लॉज में करके देख लेना, कोई भी तीन एलिमेंट ले लेना और उनका प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर चेंज करके देना, तो फाइनल ऑर्डर जो होगा वो सेम ही होगा। तो ये हमारा एसोसिएटिव लॉ भी सेटिस्फाइड करेगा, क्लोजर भी करेगा, एसोसिएटिव भी कर लिया। अब यहाँ पर आता है वन, नहीं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो यहाँ पर जो हमारा वन है वो क्या हो जाएगा, इस सेट के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा, इस सेट के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर वन हो जाएगा। अब आता है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये हमारी थर्ड थी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो इनवर्स में क्या कहा था मैंने, क्या करना है इसके लिए, क्या 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 देखेंगे आप, वन कहाँ कहाँ मिल रहा है, वन यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, और इसमें यहाँ पर मिल रहा है, और इसमें यहाँ पर मिल रहा है। तो अब ये देखिए, जो ये वन मिल रहा है तो ये क्या मिल रहा है, माइनस वन का, माइनस वन के प्रोडक्ट के साथ। इसका मतलब क्या हुआ, माइनस वन का इनवर्स इस सेट के अंदर क्या है, माइनस वन ही है। समझ में आ गया, माइनस वन का, क्योंकि वन क्या है इसका, आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो देखो माइनस वन के साथ हम इस सेट के अंदर कोई एलिमेंट लेना है, ऐसा कौन सा एलिमेंट होगा जिसके साथ हम माइनस वन की मल्टीप्लाई करें तो वन मिल जाए, वो क्या है, खुद माइनस वन ही। तो और वैसे ही आई का इनवर्स इस सेट में देखिए, आई कहां, यहां पर आई है, कहां पर मिल रहा है, वन कहां पर मिल रहा है, यहां पर मिल रहा है, और किससे मल्टीप्लाई करने के बाद मिल रहा है, माइनस आई से। तो यहां पर क्या कहेंगे, आई का इनवर्स क्या हो गया, माइनस आई। और उसी प्रकार इसी का उल्टा, अगर ये आई का इनवर्स माइनस आई है तो इसका मतलब क्या होता है, माइनस आई का इनवर्स क्या है, आई है। तो माइनस आई का इनवर्स क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक हो गया। ये हो गया, ये तो हमारा चार प्रॉपर्टी सर्टिफाइड हो गई। तो हमने कह दिया जी क्या है, हमारे यहाँ पर ग्रुप है। अब हमारी आती है फिफ्थ प्रॉपर्टी, अभी क्योंकि हमको शो क्या करना है, क्वेश्चन है अबिलियन ग्रुप शो करना है। तो कोई भी रो, जैसे हमने दूसरे नंबर का कॉलम लिया और दूसरे नंबर की रो ले लीजिए ना, तो इसके एलिमेंट देखिए, दूसरे नंबर में क्या आ रहा है, माइनस वन, वन माइनस आई, आई आ रहा है। वैसे दूसरे नंबर में एलिमेंट वैसे क्या आ रहा है, रो वाइज क्या आ रहा है, माइनस वन, वन माइनस आई, आई सेम है। तो और वैसे कोई भी ले सकते हैं आप, तीसरी चौथी, तीसरा कॉलम, तीसरा रो,
चौथा कॉलम चौथा रो, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो। तो हम ये देखेंगे जो हमारे जो एलिमेंट आ रहे हैं वो सेम ही है, उनका ऑर्डर सेम है, आपके पीछे नहीं आ रहे। तो हम अगर सेम आ रहे तो हम क्या कहेंगे, हाँ ये अबेलियन ग्रुप सेटिस्फाइड करते हैं, अबेलियन ना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करते हैं, तो ये अबेलियन ग्रुप हो गए। ठीक हो गया। ऐसे ही आप और भी एग्जाम्पल करिए अपनी किताब के, और जो भी हो अगर नहीं समझ में आता है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारा माध्यम जुड़ने का है उसमें आप हमको मैसेज भेज सकते हैं, हम सॉल्व करके उसमें डालते रहेंगे। ठीक हो गया। इसी के साथ नमस्कार।